साल 2024 में चीन युद्ध से लेकर भारत में नई खोज तक नास्त्रेदमस की 10 बड़ी भविष्यवाणियां। नास्त्रेदमस ने दोस्तों नए साल 2024 के लिए डराने वाली भविष्यवाणियां कर रखी है। 2024 में दुनिया में होगा तीसरा विश्व युद्ध, एक देश में तो तबाही मचेगी। नास्त्रेदमस और भविष्य मल्लिका की 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां भारत के लिए क्या कुछ खास है। 2024 में भारत में ऐसा कुछ होगा जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। भयानक हो सकता है सब कुछ। 2024 में दुनिया में घटित होंगी ये बड़ी घटनाएं। 2024 में अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आ सकता है। 2024 का कुछ देशों में विद्रोह और गृह युद्ध होगा। 2024 में एक भीषण बाढ़ से दुनिया में तबाही मचेगी। कई देशों पर आक्रमण होगा। अंतरिक्ष से भी आक्रमण की आशंका है। 2024 में एक विशाल धूमकेतु पृथ्वी के करीब आएगा। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों के अलावा भी नास्त्रेदमस ने नए साल 2024 के लिए 12 ऐसी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं 12 महीनों में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या क्या बड़ी घटनाएं घट सकती हैं दुनिया भर में और खास करके हमारे भारत देश में, आइए देखते हैं। पिछले साल में मैंने आपको नास्त्रेदमस की 5 बड़ी भविष्यवाणियां बताई थी, आपको पता होगा। उनको देखा जाए तो दुनिया में और भारत में वाकई में वैसी गतिविधियां घटी, और इससे कुछ सालों पहले दुनिया में बड़ी महामारी आने जैसी भविष्यवाणी भी नास्त्रेदमस ने की थी, और हमने देखा भी वाकई में कोरोना वायरस आया और दुनिया में तबाही मचाई, लाखों करोड़ों लोगों की जान गई। उसके बाद दुनिया में बड़े युद्ध और जंग की भविष्यवाणियां भी देखने को मिली, जिसमें हमने देखा रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास जंग, और नास्त्रेदमस ने यह भी कहा था कि साल 2023 में भारत दुनिया में नाम रोशन करेगा। हमने देखा चंद्रयान 3 से भारत ने अपना दमखम दुनिया को दिखाया। इंडिया की जीडीपी भी काफी अच्छी ग्रोथ रही 2023 में। कुछ बड़े हादसे की भी संभावना थी भारत में 2023 में, जैसे उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ, 280 लोगों की जान चली गई थी। हाल ही में उत्तराखंड में उत्तरकाशी में सुरंग में जो मजदूर फंस गए थे वो हादसा हुआ, हालांकि गनीमत रही कि वो हादसा टल गया। बाकी भारत ने खेलों में अच्छे पदक भी हासिल किए 2023 में। इस साल 2024 में नास्त्रेदमस की तरफ से क्या क्या भविष्यवाणियां हैं, पिछले साल की काफी भविष्यवाणियां सच गई, आइए देखते हैं इस साल की क्या अनाउंसमेंट है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के दावे के मुताबिक 2024 में भारत में कुछ ऐसी खोज होने वाली है जो मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी। कहते हैं मनुष्य भविष्य में घटित होने वाली चीजों को पहले ही जानने लगेगा, ऐसी वैज्ञानिक खोज भी हो जाएगी। भारत में रहस्यमय लोगों का आगमन होने वाला है। भविष्यवाणी के दावे के मुताबिक हिमालय में तपस्या कर रहे ऐसे संतों का आगमन होगा जो चमत्कारिक और रहस्यमय है, जो हजारों वर्षों से जीवित है। 2024 में भारत अंतरिक्ष में भी अपनी एक विशेष सत्ता कायम करने वाला है। 2024 में दुनिया बहुत ही बड़े युग परिवर्तन से गुजरेगी। बताया जा रहा है कि इस दौर में मुक्तिदाता आएगा जिसकी बात सभी मानेंगे। मुक्तिदाता पूर्व का कोई सम्राट होगा। ये बातें सुनने में काल्पनिक लग रही है, लेकिन हो सकता है कि इनसे संबंधित कुछ चीजें वाकई में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमें देखने को मिले। 27 अक्टूबर 2025 को मेष के प्रभाव से तीसरी किस्म की जलवायु आएगी। एशिया का राजा मिस्र का भी सम्राट बनेगा। युद्ध, मौतें, नुकसान और ईसाइयों की शर्म के हालात बनेंगे। पूरब का वह नेता अपने देश को छोड़कर आएगा, पार करता हुआ इटली के पहाड़ों को और फ्रांस को देखेगा। वह वायु, जल और बर्फ से ऊपर जाकर सभी पर अपने दंड का प्रहार करेगा। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्यवाही में 6 और लोग भी मारे जाएंगे। इन भविष्यवाणियों के रेफरेंस भी इसमें दिए हुए नास्त्रेदमस की बुक के मुताबिक सेंचुरी V27। शीघ्र ही पूरी दुनिया का मुखिया होगा महान शायरन, जिसे पहले सभी प्यार करेंगे और बाद में वह भयंकर व भयभीत करने वाला होगा। उसकी ख्याति आसमान चूमेगी और वह विजेता के रूप में सम्मान भी पाएगा। सेंचुरी V70। महान सितारा 7 दिन तक जलेगा और एक बादल से निकलेंगे 2 सूरज। एक बड़ा कुत्ता रोएगा सारी रात और एक महान पोप अपना मुल्क छोड़ देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, नास्त्रेदमस की बुक के साथ साथ भविष्य मालिका ग्रंथ के अंदर भी कई सारी बड़ी भविष्यवाणियां की हुई हैं। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। आइए अभी अपन देखते हैं भारत के लिए स्पेशली नास्त्रेदमस ने 2024 में क्या क्या बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। बाकी दुनिया भर में नास्त्रेदमस ने कई सारी डराने वाली भविष्यवाणियां की हैं 2024 के लिए। भविष्यवक्ता माइकल दी नास्त्रेदमस, इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जो बाबा वेंगा की तरह ही दुनिया भर में जाने जाते हैं। अमेरिका को नास्त्रेदमस की चिंताजनक भविष्यवाणी। नास्त्रेदमस की फोरकास्ट के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ने की बात कही गई है। आने वाले साल 2024 में ही राष्ट्रपति चुनाव भी होने वाले हैं अमेरिका में। ऐसे में अस्थिरता उत्पन्न होने के चांस हो सकते हैं पूरे देश में। ब्रिटेन को लेकर नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है और अपनी भविष्यवाणी में लिखा कि आइजल्स का किंग जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स 3rd से जोड़कर देखा जा रहा, जिनके हालात अभी कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के मुताबिक वो खुद पर और अपनी दूसरी पत्नी पर हमले के डर से अपना पद छोड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन से मचेगी खलबली। नास्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2024 में बहुत बड़े जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। सूखा, बाढ़ या जंगल में आग और तापमान में बदलाव जैसी आपदाएं संभावित जताई जा रही, जिससे दुनिया भर में हाहाकार मच जाएगा। इस घटना को इससे जोड़कर देखा जा रहा, हाल ही में आपको बताऊंगा वैज्ञानिकों की तरफ से भी दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता जताई और चेतावनी जारी की थी। चलिए अगले आती है नए पोप की भविष्यवाणी। नास्त्रेदमस ने साल 2024 में एक नए रोमन फोंटे
पोंटिक के चुनाव होने की बात भी लिखी गई है। पोप फ्रांसिस 86 साल के जो फिलहाल कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दोस्तों नास्त्रेदमस कौन थे? इनका जन्म 14 दिसंबर 1503 में फ्रांस में हुआ था। उन्होंने लेस प्रोफिटीज नाम की एक किताब में कई सारी भविष्यवाणियां लिखी थी उस वक्त के दौरान सदियों पहले। उन्होंने अपनी किताब में दुनिया के अंत के बारे में भी लिखा है। आपको बता दें नास्त्रेदमस भविष्यवक्ता के अलावा एक सफल डॉक्टर, शिक्षक और एक दार्शनिक भी थे, अच्छे फिलोसोफर भी थे। मतलब 3 जुलाई 1566 में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये फ्रांस के प्रमुख भविष्यवक्ता थे माइकल दी नास्त्रेदमस, जिन्होंने कई सारी दुनिया के लिए भविष्यवाणियां की हैं, जैसे महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु तक की भविष्यवाणी जो इनकी सच साबित हुई। इनकी अगली भविष्यवाणी है समुद्र में चीन का आतंक, लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा, महान महासागर में डर पैदा होगा। नास्त्रेदमस की इस भविष्यवाणी नेवल वॉर की बात कही गई है। इसका मतलब यह कि लाल शत्रु यानी कि चीन महासागर इंडियन ओशियन में उत्पाद मचाएगा। इसे अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा को एक शीत युद्ध के खतरे में बदलने से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और नए भविष्यवक्ता ने हाल ही में अमेरिका में अंधेरा छाने की भी भविष्यवाणी की है। क्रेग ने अपनी भविष्यवाणी में कहा कि अमेरिका में बिजली की कमी और पूरी तरह से ब्लैकआउट होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर कैलिफोर्निया और टेक्सास में बड़ा ब्लैकआउट होगा। इन दोनों स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में तेल है। उनका कहना है कि मैं इसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की तरह देखता हूं। ये किसी मौसमी घटना या तूफान की वजह से होगा। साल 2024 में कुछ बड़े भूकंप भी आएंगे जिन्हें मैं पश्चिमी तट तक देख रहा हूं। ये भूकंप बहुत कुछ बर्बाद कर देंगे। 2023 में भी आपको पता होगा दुनिया के कई देशों में भूकंप आए जिनसे बड़ी भयंकर तबाही मची। इसकी भविष्यवाणी भी बाबा वेंगा और नास्त्रेदमस ने पहले ही कर दी थी। भारत को लेकर नास्त्रेदमस ने स्पेशली अनाउंसमेंट किया कि भारत में कुछ ऐसी खोजें होगी जिनके चलते दुनिया भर में भारत छा जाएगा, भारत का नाम रोशन होगा। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। दोस्तों लाइक कर दीजिए। और भी भविष्य मालिका ग्रंथ में क्या क्या भविष्यवाणियां, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए मुझे। यस डीएलएस भाई, मैं आपको आगे डीएलएस न्यूज के वीडियो में ये अनाउंसमेंट भी लेकर आऊंगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव जानकारियां देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।